नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। अगर आपके सामने कोई राष्ट्रगान का अपमान करे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। लेकिन क्या हो कि पुलिस अपमान करने वाले के बजाय आपको ही गिरफ्तार कर ले? ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। और मामला है यूपी के बांदा का। उत्तर प्रदेश के बांदा में राष्ट्रगान अपमान मामले में कार्रवाई की मांग कर रही एक महिला समाज सेविका को पुलिस ने कोविड नियमों का हवाला देकर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जबरन गिरफ्तारी से पहले महिला की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस का कहना था कि कोविड काल के दौरान धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस का कहना है कि महिला धरना प्रदर्शन करने पर अड़ी थी, इसीलिए गिरफ्तारी की गई। वहीं जेल जाने से पहले महिला ने कहा कि देश का अपमान करने वालों के खिलाफ बोलने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दरअसल सोशल मीडिया पर 15 अगस्त के दिन बांदा के नवाब टैंक में हुए एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बांदा के सांसद, चारों विधायक, कई भाजपा नेता और सरकारी अफसर राष्ट्रगान को बीच में छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि राष्ट्रगान के अपमान का आरोप झेल रहे नेताओं और अफसरों के अपने अलग अलग तर्क हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि साउंड सर्विस वालों ने दोबारा से राष्ट्रगान बजा दिया था, जबकि हम पहले ही सावधान की मुद्रा में खड़े होकर राष्ट्रगान गा चुके थे। जबकि अधिकारी भी कुछ ऐसा ही तर्क देते हुए अचानक बजे गीत को ऑफिशियल राष्ट्रगान नहीं मान रहे हैं। वही आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान होता है, अगर वो गलती से बच गया तो फिर नेता और अफसर 52 सेकंड के लिए फिर से खड़े रह सकते थे। इस मामले में पुलिस पहले ही एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ वीडियो वायरल करने के आरोप में आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर चुकी है और अब पुलिस ने दूसरा केस दर्ज कर कोविड नियमों और शांति भंग का हवाला देकर महिला समाज सेविका को धरना स्थल से उठाकर जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले शालिनी पटेल ने बताया कि 15 अगस्त के दिन जो हमारे राष्ट्रगान का अपमान हुआ था, उसकी सूचना 16 तारीख को हमने सभी लोगों को ये कहते हुए दे दी थी कि अगर दोषियों पर FIR नहीं लिखी जाएगी तो हम आंदोलन करेंगे। आज हम सिर्फ 6 महिलाएं धरना देने आई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में डिप्टी SP राकेश कुमार सिंह का कहना है कि अशोक स्तंभ तिराहे पर शालिनी पटेल नाम की सामाजिक कार्यकर्ता अपने साथ कुछ महिलाओं को लेकर बिना मास्क लगाए, बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिनको समझाया गया कि आप यहां से हट जाएं, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन जाते जाते पुलिस के लिए एक सवाल जरूर छोड़कर जाना चाहते हैं कि शालिनी पटेल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उन नेताओं का क्या जिन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान किया? ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।